जब उसका हाथ मेरे हाथ में आता है तो हथेलियों के बीच एक ताजमहल बन जाता है। बॉबी देओल की फिल्म का यह डायलॉग आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। फिल्मों में अपने प्यार के लिए कुर्बानियां देने वाले बॉबी देओल को रियल लाइफ में भी प्यार नसीब नहीं हुआ। निजी जिंदगी में भी इन्हें परिवार के लिए, अपने पिता धर्मेंद्र के लिए अपने प्यार की बलि चढ़ानी पड़ी थी। अपने दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के साथ ये प्यार में थे, लेकिन प्यार परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गया। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 5 साल तक एक एक्ट्रेस को डेट करने के बाद भी बॉबी देओल के परिवार ने उनकी शादी किसी और से कर दी। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल हम जिस प्रेम कहानी की बात कर रहे हैं वो है बॉबी देओल और एक्ट्रेस नीलम कोठारी की प्रेम कहानी। नीलम ने साल 1984 में फिल्म जवानी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। पहली फिल्म से ही उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। जब नीलम ने डेब्यू किया था उस समय बॉबी देओल ने अभी इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा था। दोनों की पहली मुलाकात सनी देओल की फिल्म के सेट पर हुई। पहली नजर में ही ये दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। मंद मंद मुस्कान और आहिस्ते आहिस्ते मुलाकात ने इन दोनों को एक दूसरे का बना दिया। जल्द ही इनके बीच दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गया किसी को पता भी नहीं चला। देखते ही देखते बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके प्यार की चर्चा होने लगी। अक्सर इन दोनों को साथ में देखा जाने लगा। दोनों का रिश्ता करीब 5 सालों तक चला। दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पूजा भट्ट की वजह से बॉबी देओल और नीलम का ब्रेकअप हुआ, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। नीलम ने खुद एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि उनका ब्रेकअप पूजा भट्ट या किसी और लड़की की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनकी आपसी सहमति से हुआ था। नीलम जोर देकर कहती है, मेरा विश्वास करो, इस फैसले का किसी भी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अंततः एक स्टार की पत्नी के रूप में अपने करियर को समाप्त नहीं करना चाहती थी। मुझे तो बस डर लग रहा था, बहुत डर। उस डर को मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने सोचा शायद अब यह खत्म हो जाएगा। मैं बाद में कुछ गलत होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने बहुत देर से निर्णय लिया। आपको बता दें कि 5 सालों तक एक दूजे को डेट करने के बाद यह कपल शादी करने वाला था। दोनों के घरों में शादी की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन नीलम और बॉबी का रिश्ता धर्मेंद्र को पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस उनकी बहू बने। ऐसे में बॉबी देओल को अपने पिता के फैसले के आगे झुकना पड़ा और न चाहते हुए भी नीलम के साथ उनका रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद 1996 में कॉस्ट्यूम डिजाइनर तान्या से बॉबी देओल की शादी हो गई। वहीं दूसरी ओर नीलम को इससे उबरने में समय तो लगा, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। साल 2011 में नीलम कोठारी ने भी मशहूर एक्टर समीर सोनी से शादी कर ली। आपको बॉलीवुड का यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।